तो एल हॉस्पिटल रूल की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में, अब इसका प्रूफ करते हैं। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। तो ये लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। नाउ देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इक्वल टू जीरो होगा या पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इसमें अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, तो ये अगर इसके लिमिट पुट कराएं, एक्स की वैल्यू सी इसमें पुट कराएं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी के इक्वल। और सिमिलरली अगर ये वाला पार्ट लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स, तो इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ सी। नाउ हमें इसमें बोला गया है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब ये दोनों फंक्शन जो है जीरो के इक्वल है, तो हम एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ सी दोनों को, एफ ऑफ सी एंड जी ऑफ सी दोनों को इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स और जी एक्स को एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, मतलब इनके डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना है। तो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स विच आर डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल, तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी। ये होता है एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो एफ डैश एक्स जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी के इक्वल होता है। अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी जब चेक करनी होती थी तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। तो नाउ एफ डैश सी या यहाँ पर एफ डैश एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स लाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स है, हमें चाहिए साथ में माइनस में एफ ऑफ सी, और यहाँ पर हमने प्रूव किया कि एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी दोनों जीरो के इक्वल हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसमें माइनस जीरो और माइनस जीरो लिखना चाहूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो सब्ट्रैक्ट करके भी सेम वैल्यू रहती है। तो सिमिलरली जीरो की जगह हम एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी ले सकते हैं, तो हमें एफ एक्स के साथ में क्या चाहिए, माइनस में एफ सी। तो यहाँ पर हम जीरो की जगह लिख लेते हैं एफ ऑफ सी, और यहाँ पर जी एक्स के साथ हमें चाहिएगा जी ऑफ सी, तो हम ये लिख लेते हैं, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से लिए। नाउ हमें इसके अपॉन में एक्स माइनस सी भी चाहिएगा, तो हम इन दोनों फंक्शन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन को एक्स माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है ये तो कट हो जाएंगी, तो सेम ही फंक्शन रहेगा। तो जो ये वाला फंक्शन था लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बाई जी एक्स, ये एक्चुअली अभी भी वही है, बस हमने क्या किया इसमें से जीरो सब्ट्रैक्ट की और दोनों को एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ अब ये जो लिमिट है ये अपर वाले पार्ट में अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नीचे वाले में अलग से, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ऊपर वाले पार्ट को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी, ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को लिखा है और लिमिट जो है उसमें दे दिए, और अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अलग से लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी, ये हमने सिर्फ जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट अलग किया है। नाउ इसको हमें एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स में कन्वर्ट करना है, तो फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला हमारे ये बन रहा है कि दैट इज इक्वल टू एफ डैश सी, तो हम ऊपर वाले पूरे पार्ट को एफ डैश सी के इक्वल लिख देते हैं।
तो ऊपर वाला पार्ट आ गया हमारा एफ डैश सी, और नीचे वाला पार्ट ये आ जाएगा जी डैश सी। नाउ देखिए, जिस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूला था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एफ सी के इक्वल होता है, इसी तरह से अगर इसी फॉर्मूले में हम हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की बजाय अगर एफ डैश एक्स हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की जगह अगर एफ डैश एक्स है तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ डैश सी आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एफ डैश सी ये वाला है तो इसकी जगह हम ये पार्ट लिख सकते हैं, तो इसकी जगह न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स, और अपॉन में अगर इसी फॉर्मूले का हम जी एक्स के लिए यूज़ करें तो जी डैश सी के लिए सिर्फ एफ की जगह यहाँ पर जी हो जाएगा, तो जी डैश सी के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी डैश एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी डैश एक्स। एंड नाउ यहाँ पर इस फंक्शन में अगर देखें तो अब ये दोनों लिमिट्स हमारे पास हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसी तरह से अब हम जो है लिमिट्स को वापस सेम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स, और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड।